गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री जो कि है हंसी मजाक एंड आनंद की पोएट्री। विनोद का मतलब ही होता है मनोरंजन एंड पद्यानी का मतलब होता है पोएट्री यानी काव्य। यहाँ पर छोटे छोटे श्लोक संस्कृत में हैं जहां पर आपको अपनी बुद्धि दौड़ानी है, साथ में मजा आएगा, मनोरंजन होगा। तो देखते हैं इस पोएम के अंदर एग्जैक्टली क्या है, इसका ट्रांसलेशन रहेगा इंग्लिश में, स्टैंडर्ड 9 एंड सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत, पोएम नंबर है 19। तो क्या कहते हैं इस पोएम के अंदर, चलो देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहला नंबर का श्लोक है, कम संजदानम कृष्ण काशी वाहिनीम गंगा केदार पोषणम कम बलम वत न बोधते शीतम। ये जो श्लोक है इसके अंदर पजल बनाया गया है एंड क्वेश्चन दिया गया है कि हुम डिड कृष्णा किल। आपको बताना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान जो है उसने किसको मारा। तो आपके सामने फोटोग्राफ तो है ही, दैट इज कंस। तो इसके अंदर ही उसका आंसर है। आप देख सकते हो यहां पर है क और इधर है स, कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, जो गंगा नदी है जो शीतल है ठंडी है, बताओ वो कहां बहती है। तो यहां से एक लेटर ले लिया, एक लेटर यहां से ले लिया, आंसर बन गया काशी। यहां पर दिया है के दार पोषणाता, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है कि विच स्ट्रॉन्ग मैन डज कोल्ड नॉट बोधर, या फिर हमें अपने जीवन के अंदर कौन इस तरह से फीडिंग अच्छी तरह से खाना देता है, दैट इज आंसर इज अ केदार। एंड कितनी भी शीतल ठंड हो तो भी हमें किसी से डर नहीं लगता, ऐसा कौन हमारा भाई है। तो आंसर आएगा कंबल। तो इसी के अंदर इसका आंसर है, पर जब हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। देखते हैं इसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन क्या है। होम डेड कृष्णा किल ही किल्ड कंस व्हिच इज द रिवर दैट गिव्स कूलनेस गंगा फ्लोस एट द फुट ऑफ काशी Which strong man does not cold bother? The one who has a coarse woolen blanket, who are engrossed in nourishing, feeding their wives, farmers who are engaged in cultivating fields. तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पूछे गए चार और उसके आंसर भी चार आए, इसलिए इसका नाम दिया गया है विनोद पद्यानी। ऐसे ही श्लोक नंबर सेकंड है जो भी हम देखते हैं कि हुआ ऐसा कि एक बार हमारे जो स्टूडेंट है उसको मैंने बोला कि देखो बच्चों यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं करेगा, ठीक है, चुपचाप से बैठना, मैं 5 मिनट में प्रिंसिपल मैम को मिलके आ जाता हूँ। बोला ठीक है। उस वक्त हमारे क्लास के अंदर वेद नाम का एक स्टूडेंट था, उसको मैंने मॉनिटर बनाया और मैंने बोला कि देख तू बोर्ड पे कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, अगर कोई शैतानी करेगा तो नाम लिखेगा, बाकी कुछ नहीं लिखना है। बोला ठीक है। अब जब मैं वापिस आया ना तो वेद ने तो पूरा बोर्ड भर दिया था, ये लिखा वो लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा। तो मुझे आ गया गुस्सा, मैंने बोला मैंने तेरे को बोला था ना कि कुछ मत लिखना। उसने मुझे बताया कि हाँ सर आपने क्या बोला था, कुछ मत लिखना, मैंने कुछ वर्ड के अलावा बाकी सब कुछ लिखा है। तो ये है यहाँ पर जॉब और ये समन्वय जैसा है। तातेन, तात का मतलब होता है पिता, पिताजी ने कथितम पुत्र, पुत्र को कहा कि बेटा लेखम लिखत, लेख बोले पैराग्राफ है, स्टोरी है, कुछ भी ऐसे वगैरह कुछ लिखो, ऐसी मम आज्ञा मेरी आज्ञा है। न देन लिख तो लेख, अब पुत्र ने लेख नहीं लिखा और लिखा सिंपल सा वर्ड लेख। इस तरह से उसने पितुर आज्ञा यानी पिताजी की आज्ञा को माना भी और नो लोपितम न भी माना। तो इस तरह से कभी कभी स्मार्ट वे बहुत ही फायदेमंद रहता है। हमारे साथ एक पढ़ती है विशुद्धि नाम की स्टूडेंट, मैंने उसको बोला कि बेटा कल गांधी जी पे निबंध लेखन करना है, तो उसने तो मस्त अच्छी तरह से गांधी जी का पिक्चर ड्रॉ किया एंड एग्जिट उसके ऊपर लिखा निबंध, स्मार्ट वर्क। और उसने मेरा काम किया भी और नहीं भी किया। देखो हमें ट्रांसलेशन भी वही सुना रही है। It was not told by the father, son, write an article by my order. The article was not written by him or bowing down, he wrote, father's order was not disobeyed. तो इस तरह से उसने पिताजी की बात मानी भी और नहीं भी मानी। That is मनोरंजन, अच्छे मनोरंजन करना सीखना चाहिए, ठीक है। Now आगे बढ़ते हैं and ये जो होता है हमारा श्लोक नंबर 3, सीमंतीशु का शांता। यहां पर आपको क्या करना है,
ये वाला वर्ड और उसके बाद ये वाला वर्ड दोनों को ले लेना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है हु इज क्वाइट अमंग द मैरिड लेडीज, यानी कि सबसे अच्छी लेडीज, मैरिड लेडीज के अंदर सबसे शान सरल कौन सी स्त्री है, महिला है, तो आंसर बनेगा सी एंता। राजा को भूत गुणोत्तम, गुण के अंदर उत्तम ऐसे राजा कौन से है, तो यहां से ले लिया रा और इधर लिया म, दैट इज आंसर इज राम। एंड विद्वती का सदा वंध्या चोत्र उक्तम न बुद्यते, तो यहां पर से आपने लिया वी और यहां पर से लिया ला, यानी बन गया आंसर इज अ विद्या। तो इस तरह से यहां पर आपको फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर के द्वारा आपको आंसर बना देना है और उसका ट्रांसलेशन हमें बताने वाली है विशुद्धि, जो कि ये है हु इज क्वाइट अमंग द मैरिड लेडीज सीता, हु वाज द बेस्ट किंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटीज रामा, who is always worthy to be saluted by the scholars education. All this is said here in this verse itself, but it is not understood. तो इस तरह से हमें सब कुछ समझ में आता है पर फिर भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है पर उसके लिए हमें अपनी बुद्धि यानी कि विद्या का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास विद्या है तो इसके लिए आपको क्या बनना चाहिए, चतुर। यस, कौन है चतुर, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चतुर भैया भी है, थ्री इडियट्स में आपने चतुर देखे है ना, ओके ऐसे एक चतुर आएंगे। पर यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन क्या लेते हैं, श्लोक नंबर 4, वज्रंती पद्मानी कदा विकासम। पद्म का मतलब होता है लोटस यानी कि कमल, है ना, कब वो विकास मतलब ग्रो करता है, खिलता है, जैसे यहाँ पर खिल रहा है, तो उसका आंसर यहाँ पर है सूर्योदयम, है ना। प्रिया गते भर्तरी की रोदती ही, अगर प्रियतम चला जाता है तो भर्तरी, प्रियतम यानी उसकी प्रियतमा है, वो क्या करती है, तो उसका आंसर आएगा दैट इज रोदिती, यानी कि रोती है। एंड रात्रो च नित्यम विहरातुम तुरका, रात्रि के समय के अंदर अनहैप्पी और सेपरेट तरीके से कौन एक दूसरे को चाहता है, ऐसे बर्ड का नाम बताओ, उसका आंसर है दैट इज चक्रवाकी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सूर्योदय बताया गया है, ये जो है दैट इज लोटस है, एंड चक्रवाकी यहाँ पर दिया है, ट्रांसलेशन भी यहाँ पर, आंसर भी यहाँ पर, क्वेश्चन भी यहाँ पर। व्हेन डू लोटसेस ब्लूम, व्हाट डज अ बिलव्ड डू व्हेन हर हस्बैंड डाइज, हु बिकम्स अनहैप्पी ड्यू टू सेपरेशन एवरी नाइट, एट सनराइज क्राइज द फीमेल चक्रवाक बर्ड। तो इस तरह से 1, 2, 3 लाइन के अंदर दिए क्वेश्चन है, लास्ट 4th के अंदर दिए उसके तीनों के आंसर है। ना उसके बाद है, ये है शब्दों का खेल यानी कि शब्दों की मायाजाल। क्या बताया गया है, आदो नकार, आदो मतलब आगे से, फर्स्ट लेटर जो है दैट इज बिगिनिंग वर्ड इज अ न, नकारांत है। परतो नकार यानी एंड जो है वो भी नकार से है। मध्य नकार, बीच में तो नकार है यानी कि शुरुआत में भी न है, अंत में भी न है और मध्य में भी न है, पर ये मध्य वाला न आ रहा है दकार को लेकर। तो बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी दान शक्ति सबसे ज्यादा है, तो आंसर बनेगा नंद न, है ना। देखो 9 का टेबल अगर आपको पता हो तो 9 ones are 9, यस, स्टार्टिंग में 9 आया, एंड में भी 9 आया, उसी तरह से 9 twos are 18, लास्ट में 18 है ना, तो 8 plus 1 is 9, 9 threes are 27, 7 plus 2 9, 9 fours are 36, 6 plus 3 is 9, तो शुरुआत में भी न, अंत में भी न, इसी तरह से ईश्वर हर जगह पर है, हमारे जीवन की शुरुआत में भी और अंत में भी, ट्रांसलेशन भी यहाँ पर है जो लिखा है The letter N in the beginning, the letter N in the end, in the middle of the letter the is hit with the letter N. Thus, how can Nandan have the power to donate due to the combination of 3 negations around him? तो इस तरह से हमारा वर्ड बनाया, कितना खूबसूरत। हमें हमेशा पजल पूछा जाता है, तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर, आगे तितर पीछे तितर, बोलो कितने तीतर, यस, तो आंसर इज अ 3, शुरुआत में 1 तो पीछे 2 हो गए, एंड में 1 तो आगे 2 हो गए, बीच में 1 तो आगे पीछे 1 हो गया, है ना। तो इतना इजी आंसर है इसका भी। यहाँ पर हम आंसर बनाएंगे नंबर 6 का। ये पजल है ना, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या दिमाग है पता है, एक संस्कृत वर्ड है उसका नाम है एकोनविंशति, यानी कि 20 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 21, है ना, और 20 में 1 नहीं होगा तो क्या होगा, तो 19। तो ये पजल इस तरह से पूछा गया है कि एकोनविंशति स्त्रीणाम, यानी कि 19 जो स्त्री है वो स्नान करने के लिए सरयू नदी के अंदर जाती है, विशति उसमें 20 जो है उस स्त्रियों को
जो है वो तो वापस आ जाती है पुनरागमी, पर एक जो स्त्री है उसको व्याधेण भक्षितः खा गया। तो हम क्या समझे यार, बीस गई और वापस बीस आई तो वाघ ने किसको खाया? तो यहाँ पर उसका आंसर है एको न, न का मतलब होता है नर, यानी एक पुरुष है ना, एक पुरुष और बीस स्त्री है, तो ऑब्वियसली वो पुरुष को खा जाओ, बाकी स्त्री को वापस कर दो। तो इसको कहते हैं पजल। कभी कभी आपने गुजराती में पढ़ा होगा 90 है ना, 90 उसके आगे 89 होता है, उसको कहते हैं ओगण नेवू, कभी कभी उसको बोलते हैं नेव्यासी, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, पर कंफ्यूजन के लिए ऐसा हमेशा रखा जाता है। तो ये भी एक पजल है, कभी कभी हम कोई क्वेश्चन पूछे उसका अर्थ अलग दे। लाइक मैंने आपको पूछा कि एक हाथी के सामने चार केले पड़े हैं और हाथी केला नहीं खा सकता है, आप बोलोगे पता नहीं हाथी बीमार होगा, ये है वो है, पर मैं बोलूंगा नहीं वो तो प्लास्टिक का है ना, फिर ये बोलेगे नहीं ये सर प्लास्टिक का थोड़ा हो सकता है, तो उसका आंसर कुछ भी कर सकते हैं, कभी हाथी प्लास्टिक का, कभी केले प्लास्टिक के, कभी हाथी टीवी में, कभी केले टीवी में, कभी दोनों अलग अलग चैनल में, तो बहुत सारे आंसर बना सकते हैं। पर जहां पर आपको जीत हासिल करनी हो ना, तो उसको कहते हैं ट्विस्टेड वर्ड, आपको वर्ड को ट्विस्ट करना है ताकि आप इजिली जीत सको, जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एंड देखते हैं उसका ट्रांसलेशन। 20 women and one man went to the river Sariu for taking a bath. 20 came back again. One man was eaten by the tiger. तो इस तरह से हमने बोल दिए नंबर 6, और अब आता है हमारा श्लोक नंबर है दैट इज 7. तुरोहम प्रथमम हित्वा चरुत्वम मध्यम विनाह आद्या मध्यम में युक्तम को भवानी वंदतु हो। और जैसे मैंने आपको बताया था, हम चतुर साहब को आपके लिए लेके आने वाले हैं, और हमारी स्पीच देने के लिए चतुर भैया रेडी है। और क्या बताया है कि लिंग द फर्स्ट लेटर आई एम तुरह विदाउट द मिडल लेटर एंड आई एम चरह सेइंग हु एम आई विद द फर्स्ट एंड मिडल एंड लास्ट लेटर, तो आंसर बनेगा चतुर्लिंगम, है ना। तो देखो इस तरह से वर्ड लिया है, ये रहा तुर और ये रहा चर, इस तरह से बीच में डाला तू, तो बन गया चतुर, ठीक है ना। इसके बाद हमारा है श्लोक नंबर दैट इज 8, ये बहुत मजेदार है, ये है राजा तो ये है भिखारी, है ना, उन दोनों का मतलब एक ही है, दैट इज लोकनाथ। ये कहता है कि लोग जो है ना वो मुझे अगर पैसा देते हैं, खाना देते, कपड़ा देते तो मेरा जीवन चलता है, यानी लोग मेरे नाथ है, स्वामी है, मालिक है। और ये कहता है मैं भी लोकनाथ हूं, बोला हाउ कैसे, उसने बोला कि मैं लोगों का नाथ हूं, मतलब मैं स्वामी हूं, राजा हूं, महाराज हूं। तो देखो अगर हमारा जो कंपाउंड यानी कि समास है, बहुरी समास के हिसाब से करेंगे तो इसका अर्थ अलग जाएगा, एंड षष्ठी तत्पुरुष जो कंपाउंड है समाज उसका मतलब निकालेंगे तो एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग्स बन सकते हैं, और इस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो कितना इजी है, लिखा यहाँ पर कि अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथ उभावपि बहुरीरम राजन षष्ठी तत्पुरुष भवान। ट्रांसलेशन है, ओ ग्रेट किंग, You and I, both of us are Loknath. O King, I am in my case, it is Bahuvrihi compound. Your Majesty is in your case, it is Shashti Tatpurush compound. तो Shashti Tatpurush के हिसाब से महाराजा बनता है, and बहुरी समास के हिसाब से भिखारी बनता है, ठीक है? And now अगर हम आगे बढ़े तो वो है thank you. यानी कि फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, सही में आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को सुना, थैंक यू विशुद्धि जी एंड थैंक यू महेंद्र सर टू। आगे आपको कैसा लगा हमें बताएगा, पर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक मुझे आगे दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी, थैंक यू वेरी मच।